शासन की व्यवस्था को कैसे किया जा रहा अनदेखा, सुनिए ग्राम प्रधान पीपरी से। देश कोविड-19 से जूझ रहा है, जिले का प्रशासन दिन रात एक कर जंग में लगा है। योजना को मूर्त रूप देने में लगा, पर ग्राम पंचायतें और प्रशासन द्वारा बनाई गई निगरानी समितियां कितनी सक्रिय हैं, ये देखना हो तो आइए विकासखंड नदीगांव के ग्राम पीपरी में और मिलिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिया शरण से। यहाँ इनके अलावा कोई मिलता नहीं, ये भी कम से कम 10 बार अपनी परिक्रमा करा लेंगे तब कहीं उपलब्ध होंगे वो अकेले। निगरानी समिति क्या है, इसमें कौन कौन है इन्हें पता नहीं। इनका लेखपाल फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ रखता है, इन्हें कोई परेशानी नहीं। ये हाल जब है जिला प्रशासन कोविड-19 से जूझ रहा है, सामान्य स्थिति में क्या हाल होगा। प्रशासन स्वयं ही सोच सकता है, सामान्य स्थिति आने पर पंचायत भवन से लेकर गांव गली के बारे में अवगत कराया जाएगा। ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ, बुदेलखंड, हिंदुस्तान न्यूज चैनल। मैं ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज 24। लॉकडाउन 3 को लेकर के आज हमारी टीम बुंदेलखंड के जनपद जालौन तहसील कोच के थाना कैलिया के ग्राम पीपरी कलाम में आई हुई है। यहाँ पर बाहरी लोग जो प्रवासी मजदूर थे किसी बड़ी संख्या में आए हैं और उनकी क्या व्यवस्था चल रही है, कैसा चल रहा है, कैसी व्यवस्था चल रही है, उसको लेकर के यह जानकारी के लिए पहले जहाँ बताया गया था कि क्वारंटीन सेंटर अस्थायी रूप से यहाँ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया। जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था, जैसा कि बताया गया था ठीक एक दिन पूर्व वहाँ पर माननीय विधायक जी के द्वारा खाद्य सामग्री उन लोगों को वितरण की गई थी। और दूसरे ही दिन से जो प्रवासी मजदूर गांव में प्रवेश किए थे वो अपने अपने घरों में चले गए। जांच हुई कि नहीं हुई, किन कारणों से वो घर में चले गए, उनको कहाँ रहना चाहिए था, आगे की परिस्थितियाँ क्या होंगी, इन सारे विषयों को लेकर के मैं मिलना चाहता था यहाँ की पूरी पंचायत टीम से, लेकिन लेखपाल भी उपस्थित नहीं है, ANM मैडम भी नहीं है और इस समय प्रधान प्रतिनिधि सिया शरण जी जाटव उनके पास जब आए तो वो मिलना आज हमारे साथ हैं। मैं उनसे इस विषय पर जानकारी करूँगा कि शासन प्रशासन कितनी व्यवस्था के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितनी कड़ाई के साथ अपने कार्य में लगा हुआ है और हम लोग अपनी जिम्मेदारी का कितना निर्वहन कर रहे हैं, इस विषय पर मैं प्रधान प्रतिनिधि से बात करना चाहूँगा। हकीकत क्या है प्रधान जी, हमारे हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने लोग आपके यहाँ प्रवासी मजदूर अभी 2 या 4-6 दिन में आए हुए हैं? 29-30 लोग प्रवासी लोग आए हुए हैं, तो वो अभी समय कहाँ है? मैंने सर उनकी व्यवस्था स्कूल में कर रखी थी जी, वहाँ पे मैंने उनको मतलब बुलाया था, फिर कुछ लोग तो अपने घर पहुँच गए, चले गए बिना चाहे, तो हमने उनको खाना उनको डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजा, तो उनकी जांच कराई पहुँच में जांच के लिए भेजा, जांच कराई, तो जांच कराने के बाद आए तो फिर वैसे महोदय जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधान जी यदि अगर वो घर होम क्वारंटीन में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं और जो लोग स्कूल में रहना चाहते हैं तो वो स्कूल में। प्रधान जी मैं रोकूंगा आपको, आपका कौन सा विकास खंड लगता है? नदीगांव में CSC PSC है क्या? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी जी, वहाँ के चिकित्सक से आपके संपर्क हैं? जी जी, उनका नंबर आपके पास है? उनसे बात क्यों नहीं की? बात हुई थी हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जाँच करा और उनको मतलब जो है उसमें भेजो स्कूल में। डॉक्टर भिटोरिया साहब ने कहा था उनकी जांच आप कर रही है? दीपक नहीं, उन्होंने नहीं, हमारी बात हुई थी, दीपक चौहान डॉक्टर साहब हैं, दीपक चौहान साहब से आपकी बात हुई थी जी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जांच कराएं, तो हमने ठीक है। ये प्रश्न किया जांच कराया कहाँ कराया, किसकी जिम्मेदारी जांच कराने की? ये तो फिर नहीं, हमारी तो फिर कच्चे लोग तो वो बाहर हाँ जी, आप पता रखिए जिनसे आपकी बात हुई है वो इस टीम के प्रभारी हैं इस क्षेत्र के, उन्हीं को अपनी टीम के साथ आना चाहिए था और वो यहाँ पर
जांच करते हैं। उनको सर हमने बुलाया था, वो पहले आए थे, अभी तो फिर नहीं आया, हमने बुलाया था, उनकी छोटी भी है, तो उनने काफी लोगों को मतलब उसकी बातों की थी, तो कुछ लोग आए थे बाहर से, तो कुछ लोग जांच करा के लाए थे, तो हमने अपनी गलती से, तो उनके ठीक है, डॉक्टर साहब आए थे और देखते थे। कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या थी 29-30 लोग। 29-30 माने सूची होगी ना आपके पास? सूची बना, लेखपाल ने सूची बनाई होगी? लेखपाल ने बनाई, हमें नहीं बनाई। लेखपाल ने नहीं कुछ किया, सूची नहीं बनाई? नहीं, वो उसके द्वारा आता, बहू के द्वारा बनी है। लेखपाल की भी कोई ड्यूटी रहती है? लेखपाल आप बता रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहा, फोन स्विच ऑफ किया, उठा दिया, फोन स्विच ऑफ है, तो लेखपाल को इस समय में, ऐसे समय में पूरे तरीका से आपके साथ रहना चाहिए। तो आए थे सर, नहीं क्या मतलब, जब आप सूची अभी बता रहे हैं कि सूची वो नहीं बना, सूची कोई दूसरा बना रहा है, उनकी भी एक अपनी जिम्मेदारी है, फोन स्विच ऑफ करके रखना। आज के समय में जब ऐसी महामारी फैली है, जिलाधिकारी से लेकर के सारा प्रशासन हलकान है, और एक लेखपाल अपना फोन स्विच ऑफ कर ले, कहाँ तक ये ठीक है? ये तो बिल्कुल हमारे समझ में तो ठीक नहीं आता है, उसको फोन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। लेखपाल का नाम क्या है? बलवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बलवान सिंह किशुनपुरा के रहने वाले हैं। इस समय इनका लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ऐसी स्थिति में फोन हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, और एक सरकारी कर्मचारी होकर के उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कितना क्या कहा जाए कि कितने अपने जिला प्रशासन को किस अंदाज में ये लोग ले रहे हैं। खैर, आगे जो भी आपके जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर में भेज दिया गया है? नहीं, हमने तो व्यवस्था स्कूल में कराई थी, राशन पानी की सारी व्यवस्था करवाई, लेकिन स्कूल के मास्टर हैं उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, ना जो खाना बनाने वाली औरतें हैं तो उनको भी हमने बुलाया, तो उन्होंने खाना बनाने से इनकार कर दिया। महिलाएं थी, उन्होंने खाना बनाने से मना किया, मैं भोजन नहीं करूँगा, नहीं भोजन नहीं बनाऊंगी जी। इसके बाद फिर आपने किसको फोन किया? फिर हमारी SDM साहब से बात हुई, तो हमने सर ऐसी ऐसी बात, हमने उनको अपनी हकीकत बताई हुई, तो साहब ने ये कहा था कि अभी नया वीओ आया, नया सर्कुलर, कि अगर ये घर होम क्वारंटीन में रहना चाहते हैं तो होम क्वारंटीन में रहें, और जो यहाँ रहना चाहते हैं तो हमने सारी व्यवस्था कर दी। अच्छा, जो व्यवस्था की होगी, जो आपने खाद सामग्री, खाद सामग्री कहाँ गई? खाद सामग्री वहाँ पे रखी थी, वहाँ कोई रहता नहीं, ले जाता। अभी अभी जैसा कि आपके साथ में कोई अभी एक आ जाए बंधु यहाँ खड़े थे, बता रहे थे कि जब वो खाना वाना बनाती है, वो आशा बहू जिसका नाम लिया जा रहा था, तो वो उत्पात मचा रहे थे जो प्रवासी मजदूर रहते हैं। वे लोग वहाँ खाना बनाने के लिए कहा, उनकी अच्छी नहीं आती, हमने खुद कही उनसे पहुँचो, तो जो लोग जितने लोग हैं वो आए हैं ना बाहर से, तो नल के पास पहुँच गए, कोई कहीं पहुँच गए, तो मतलब कहने लगे कि इनको कोरोना हो जाएगा तो हमको हो जाएगा, तो इसका कोई जिम्मेदार होगा तो क्या? अगर ऐसी तो क्या आपने पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना की, 100 नंबर गाड़ी आई, 100 नंबर को हमने सूचना की, 100 नंबर वालों ने उन्हें समझा कि उनको जहाँ कितना बैठा रहा, फिर गांव में पूरे में अनाउंस करवाया कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो अपने स्कूल में अनाउंसमेंट कराया था जी, तो नहीं कोई पहुँचे, कोई नहीं। तो ऐसे अब जो लोग घर में रह रहे हैं, तो क्या आपको पता कि वो बाहर भी बैठ रहे होंगे, अपने परिवार वालों से मिल भी रहे होंगे? बिल्कुल सही है, सब फिर रहे हैं वहाँ गाँव में, गाँव के बाहर फिर रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या योजना, चूँकि देखिए आप भी एक प्रशासन के अंग हैं, सही बात, आप ये ना मानिए कि मैं गांव का नागरिक, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति है, और गांव का जिम्मेदार व्यक्ति जो एक थानाध्यक्ष है, जो एक लेखपाल है, जो उप जिलाधिकारी, उसी के आप भी एक अंग है उस स्तर के, तो आप क्या कदम उठाएंगे कि ये गांव के बाहर ना घूमे, घर में लोगों से मिले नहीं? तब से कह दिया और गांव में जिंदगी भी पटवा दी कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो 14 दिन के लिए अपनी होम क्वारंटीन में रहें, बाहर ना निकले। यदि निकलना है तो आप क्या करेंगे उनके लिए? प्रशासन से सूचना करके उनकी, देखिए आपको ध्यान में होगा, उप जिलाधिकारी पहुँच श्रीमान अशोक कुमार जी, जिनको ये जगह जगह बता चुके थे, गांव गांव में जाके बताए थे कि जो बाहरी लोग आए हुए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ उनकी पूरी सहानुभूति है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, केवल इसलिए कि आप अकेले डैमेज नहीं होगे, आप पूरी फैमिली को डैमेज करेंगे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी दी जा रही है और आपको व्यवस्थित रखा जाएगा। आज काश तुम वही होते तो तुम्हें महीनों अकेले रहना पड़ता, केवल 14। तो करना गया, यदि होम क्वारंटाइन में आप रह रहे हैं, होम क्वारंटाइन के बाहर यदि मिलते हैं, उनका फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर डाल दिया जाता है, तो उन्होंने कार्रवाई भी की है, पड़री में भी की है, इससे पहले नरी में भी की है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। तो ऐसा जन सहयोग
एक जिम्मेदार होने के नाते आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ये करिए, अगर आपको बाहर देखते हैं आप उनका फोटो लीजिए। बिल्कुल इसमें बुराई इसलिए नहीं है कि चूंकि मैं प्रशासन का हूँ, जिस दिन आप प्रधान नहीं रहेंगे आप बिल्कुल जिम्मेदारी मत लीजिए। नहीं तो बिल्कुल हम करेंगे। प्रारंभ तौर पर वैसे तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे डैमेज होने से मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा, तो क्यों ना हम अपने एक बार घर में 14 दिन रहे। फिर यदि कोई दिक्कत आती है तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी को नदी गांव के डॉक्टर साहब को आप सूचित करिए, टीम आएगी। अगर उनको कुछ पॉजिटिव या ऐसी कुछ लगता है कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है तो आपको एम्बुलेंस आएगी, वो ले जाएगी। तो शासन प्रशासन की पूरी तरीके से हम लोग मदद करें। DM महोदय माने डॉक्टर मन्ना अख्तर साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय इस समय लगातार बैठ कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या जा रहा है, केवल हम निचले लोग, हम जिस स्तर पर प्राथमिक श्रेणी पर हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और सारी बदनामी सारा का थोपा जिला प्रशासन पर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमसे बन सकता है, आम नागरिक भी यदि हमारी लाइफ को देख रहा हो तो वो भी इसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप तत्काल प्रशासन को फोन करें और उनको बताइए, और उनका संभव हो सके तो उनका आप फोटो लेके व्हाट्सएप पर डालिए, नाम डालिए, कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान न्यूज 24 से ओम प्रकाश उदेनिया की रिपोर्ट।